चलिए अब हम फाइनली ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो जो कि 81 से 100 के बीच में है, तब हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर स्क्वायर कैसे पता करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो चलिए फिर हम किसी एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, जैसे चलिए हम 82 उठा लेते हैं। 82, 82 का स्क्वायर हमको पता करना है। तो पहला स्टेप इसमें ये होगा कि हम ये देखेंगे कि ये नंबर 100 से कितना दूर है, यानी कि हम करेंगे 100 माइनस 82 जो कि मुझे दे देगा 18। यहाँ से यह है हमारा पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। तो दूसरे स्टेप में जो हम करते आए हैं, हम 18 का स्क्वायर करेंगे। तो 18 का स्क्वायर, 18 है 20 से छोटा। तब हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि 20 से छोटा है, तो उसका स्क्वायर हम कैसे करते थे। तो ये है 18 टाइम्स 18। 8 8 जा, दोनों के यूनिट्स प्लेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जाएगा 64। तो 4 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। 18 में हम अब इसका यूनिट्स प्लेस ही ऐड कर देते हैं, तो 18 + 8 होता है 26। 26 + 6 होता है 32। 32 यानी कि 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। तो यहाँ से मुझे मिल गया 18 का स्क्वायर 324। अब जो 82 का स्क्वायर होगा, उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 18 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा, यानी कि 24। हमें इसका लास्ट 2 डिजिट मिल गया 24। चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप हमसे ये कहता है कि जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस आया इसको, और जो हमारा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, अब इस नंबर में से 82 में से ये जो डिफरेंस आया है, हमको उसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 82 - 18 करना है। तो 82 - 18 हो जाएगा हमारा 64 के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल गया 64। अब इस नंबर का यानी 82 के स्क्वायर का पहला 2 डिजिट होना चाहिए 64। लेकिन 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 यहाँ पे अभी 3 बाकी है, इस 3 का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तब हम इस 3 को इस 64 में ऐड कर देंगे, +3। अब हमारा जो फाइनल नंबर आएगा वो 82 का स्क्वायर होगा। 64 + 3 होता है 67, और ये 24 यहाँ पे, यानी कि 82 का स्क्वायर हो जाएगा 6724। चलिए इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो 82 टाइम्स 82 हम करें तो होता है 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 वन कैरी, 8 8 ज़ा 64 और 65। ये हो जाएगा 4 12 वन कैरी, 5 6 7 और 6 6724। तो यहाँ हमारा सही है। चलिए हम यहाँ पे दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास हो कुछ कुछ भी नंबर ले लेते हैं, से 93। अब हमको 93 का स्क्वायर पता करना है। तो चलिए अब हम सेम मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड हमसे कहता था कि हम ये देखेंगे कि ये 100 से कितना दूर है, यानी कि इस नंबर का 100 से कितना डिफरेंस है। 100 - 93 ये हमें दे देता है 7। दूसरे स्टेप में हम आएंगे तो दूसरा स्टेप में हमें इस डिफरेंस का स्क्वायर करना है, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब यहाँ कोई थर्ड डिजिट है नहीं, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 93 का स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 49 हो जाएगा। चलिए अब हम पहला 2 डिजिट पता करते हैं। तब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है कि ये जो हमारा डिफरेंस आया है उसको दिए हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट, तो 93 - 7 हो जाएगा मेरा 86। तो इसका जो पहला 2 डिजिट होगा वो हो जाएगा 86 के बराबर, यानी कि 93 का स्क्वायर हो जाएगा 8649। चलिए वैसे यहाँ पे एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ होता से 89। अब 89 का स्क्वायर हमको पता करना है, तो जल्दी से हम अपना पहला स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप में हमको ये देखना है कि इसका 100 से क्या डिफरेंस है। तो 100 - 89 मुझे देता है 11। दूसरा स्टेप है 11 का स्क्वायर करना, तो 11 का स्क्वायर हो जाता है 121। यानी कि 89 का जो है ला 89 के स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो हो जाएगा 21। तो ये आ गया 21। थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में हम ये देखते हैं कि 89 - 11 कितना होगा। 89 - 11 तो ये हमारा हो जाएगा 8, और 8 - 1 78। अब इस 78 में हम इस 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 79। यानी कि 89 का स्क्वायर का जो पहला 2 डिजिट होगा वो हो जाएगा 7009, वो हो जाएगा 79। यानी कि 89 का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 7921 के बराबर।
तो आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम 81 से लेके 100 के बीच का स्क्वायर्स पता करते हैं, लेकिन आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके आप इस मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे।